Francis Shelton Sidis. हमें सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? Why do we require cells to be connected in series? ऐसी क्या जरूरत होती है कि हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं सेल्स को? सर, जब हमें करंट सेम रखना हो और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग डिवाइड करना हो. डिवाइड क्यों करना है? रेजिस्टेंस थोड़ी, सोर्स की बात कर रहे. अच्छा हाँ. और जब हमें बहुत हमें हाँ लेकिन हमें ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है. हाँ हाँ हमें वोल्टेज तो ज्यादा चाहिए, करंट ज्यादा नहीं चाहिए. तो फिर हम सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करके जितनी वोल्टेज चाहिए उतनी जरूरत को पूरा करें. ठीक है, मान लो 4.5 वोल्ट चाहिए. अब आपके पास 1.5 वोल्ट का सेल है तो कितने सेल्स साथ लगाने पड़ेंगे? फिर 3 लगाने पड़ेंगे. 1.5, 1.5, 1.5, 4.5 पूरा करें. ठीक है, सो वी कनेक्ट सेल्स इन सीरीज व्हेन वी रिक्वायर मोर पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, एंड सेम करंट. ठीक है, किसी भी सिंगल सेल की कैपेबिलिटी जो करंट डिलीवर करने की है वो ठीक है, मगर वोल्टेज कम है, हमें वोल्टेज बढ़ानी हो. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी नीड टू कनेक्ट सेल्स इन सीरीज व्हेन वी वांट मोर पोटेंशियल डिफरेंस. When we want more potential difference. ठीक है, so if I connect more than one cell in series, ठीक है, अब किसी भी सेल को आप देखेंगे तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ देखेंगे हमेशा. किसी भी सेल को अगर आप देख रहे हैं तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ देखना है आप. मान लो हम दो सेल कनेक्ट करते हैं इस प्रकार से, पहले सेल का EMF है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, दूसरे का है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस है R2. तो इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट सोर्स क्या बनेगा? ये चीज हमें देखें. ठीक है, तो यहां से यहां तक, अब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस तो बाहर कर दिया सेल से, तो इसका अपना रेजिस्टेंस कितना हुआ? फिर 0. इसको बाहर कर दिया ना मैंने, इसके रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ बाहर लिख लिया, तो इसका कितना हुआ? 0. इसका भी 0. तो ए से बी तक जाने में मुझे टोटल कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है? 0. क्यों? ये वाले तो मिलेंगे. हाँ, तो R1 प्लस R2. तो ए और बी के बीच में जो सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ये तो होगा R1 प्लस R2, और ये EMF E कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2. कैसे देखते हैं ये? आपने एकदम से कैसे बताया E1 प्लस E2 होगा? क्योंकि E जो है वो V के बराबर है और R 0 हो गया. हाँ, तो हम इसको ऐसे देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझना, अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ. ठीक है, हमें A और B का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, A और B का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. तो मैं A से लेके B तक जाता हूँ, और जो जो पोटेंशियल्स मुझे मिलते हैं वो सब मैं जोड़ता जाता हूँ. पॉजिटिव मिल रहा तो पॉजिटिव जोड़ लूंगा, नेगेटिव मिलेगा तो नेगेटिव जोड़ लूंगा. ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा VA इज इक्वल टू, अब यहां से चलाते मुझे पॉजिटिव मिला
तो ये प्लस ई वन, फिर यहां से आगे चला तो ये मिला प्लस ई टू, फिर आगे चला तो बी टर्मिनल आ गया। मान लो बी टर्मिनल पे भी कुछ वोल्टेज है, दैट इज बी बी। अगर बी पे भी कुछ वोल्टेज है तो वो है बी बी, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या करूंगा, मैं बी को इधर ले आऊंगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू, और दिस इज वी ए बी इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू। इसलिए ई जो है इसका ई वन प्लस ई टू है, ठीक है। जब मैं ये चीज चेक कर रहा था तब यहां से कोई मैं करंट तो ड्रॉ नहीं कर रहा था, ठीक है। इसलिए R1 R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो होगा, करंट तो है नहीं। अब ये मेरा इक्विवेलेंट सोर्स हो गया दोनों, हाँ, यस सर। हाँ, इसका इक्विवेलेंट सोर्स ये हो गया। अब इसके हिसाब से अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिखी जाएगी, V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R1 प्लस R2, और E की जगह फिर क्या लिखेंगे हम, E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। तो ये इसका इक्विवेलेंट रिलेशन, ये स्टैंडर्ड रिलेशन हुई थी। वोल्टेज इज इक्वल टू ई एम एफ माइनस करंट टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। सवाल दे दूं, एक करोगी?